छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के धरुआ पारा में आज भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इस क्षेत्र में ना तो कोई हैडपंप है और ना ही कोई कुआं है। आपको बता दें कि खेतों के बीचों बीच डोड़ी मौजूद है जिसमें ग्रामीण पानी भरते हैं। जब इसके बारे में मीडिया टीम को जानकारी दी गई तो मीडिया टीम के द्वारा तत्कालिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पंडू जाति के लोग गंदे पानी पीने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि वैसे भी पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ गंदा पानी पीकर ग्रामीण अन्य बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कई वर्षों से हम गंदे पानी का उपयोग पीने में करते हैं, ना इसके बारे में जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं, ना ही कोई अधिकारी व कर्मचारी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से की है, लेकिन आज तक किसी ने भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की। कोई सुविधा ना होने से पंडू जाति के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बताते चले कि पंडो जाति के लोग राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं, लेकिन गंदे डोड़ी के पानी पीने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन लाचार नजर आ रहा है। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। मर ना जाएंगे, पैसा ना रुपया नहीं है, पाते हैं। तो सरपंच जी क्या बोलते हैं, पंप खुदवाने के लिए बोलते हैं? नहीं बोलते, बोलते हैं, दूर दूर में बोलते हैं, दूर दूर में खोल रहे हैं, खुदवाएंगे अपना अपने मतलब में खुदवाएंगे, जब मर जाएगा इसलिए कहते हैं। और रोना है, मतलब जहाँ जरूरी है वहाँ खुदाई नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। इसके बारे में अधिकारियों को आपने चर्चा नहीं की? चर्चा कहाँ करें, गरीब आदमी, पैसा ना रुपया नहीं है, ठीक है ना। अरे कहीं कहीं आए ना जाए पाते हैं, बस आते हैं, देखते हैं कि ये कोई साहब हैं तो हम लोग बतियाते हैं कि साहब ऐसे ऐसे होगा, कोर दीजिएगा तो मैंने कोरवा दीजिए, नहीं हम लोग कहाँ। यहाँ तो मान लीजिए कुछ ठीक है, उस पर हम चल के देखिए कि इस समस्या पानी का है। पानी का समस्या है जी, तो आप लोगों को पानी पीने के लिए हैंडपंप या नहीं है मोहल्ले में? नहीं है। नहीं, तो आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? पानी कुआं का पीते हैं, ढोड़ी के पीते हैं, जो अपना व्यवस्था है। तो आप लोग ढोड़ी से कब से पानी पीते हैं? पानी अब जिंदगी भर पी रहे हैं, जब से हम लोग जाने जुगत हुए हैं तब से पी रहे हैं। मतलब प्रशासन के द्वारा या सरपंच सचिव के द्वारा आप लोग? किसी के द्वारा नहीं पी रहे हैं, अपने द्वारा पी रहे हैं। नहीं तो सर, प्रशासन और सरपंच सचिव के द्वारा सुविधा नहीं दी गई है? नहीं दिया गया है, नहीं पिए हैं, कुछ नहीं दिया है, दूर दूर में दिया है। नहीं तो दिया है तो हम लोगों को नहीं दिया, नहीं पी रहे हैं। मान लीजिए कि 200 मीटर दूर में दिए हैं, 500 मीटर दूर में दिए हैं, या तो 1 किलोमीटर दूर में दिए हैं। तो सरपंच सचिव से इसके बारे में आप लोग बात नहीं किए कि हम लोग नाली का पानी पी रहे हैं, जो बीमारी फैलेगा, प्रकोप आजकल वैसे भी कोरोना महामारी के चल रहा है? नहीं किए, तो वो बोले कि नहीं होगा, रुको अभी धीरे धीरे। जिला से ही बात की, अभी इतना बड़ा हुआ है, 28 साल की उम्र हो रहा है, तब से पी रहे हैं ढोड़ी के और नदी के पानी। तो गंदा पानी रहता है, आदमी बीमार भी होते हैं, गंदा रहता है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि व्यवस्था मिल जाए शासन द्वारा, तो और अच्छा है, ताकि हमारे आपके बाल बच्चे मतलब बीमारी से दूर रहे। हाँ, दूर रहे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.